एक छोटी सी रियलिटी बताऊंगा मैं आज के इस वीडियो में। अब लगभग आपके पास जितने भी बंदे लोग हैं उनके पास कार होती है, तो वो कभी ना कभी गलती से एक वीडियो देखते हैं कि भाई हमारा एसी पावरफुल नहीं है, या एसी बहुत लो हवा मार रहा है, या उतना ठंडा नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे मैंने भी वीडियो देखे हैं, ठीक है। आज यहाँ पे चलो मैं खुद मैकेनिकल हूँ, लेकिन आम बंदे के लिए क्या होता है, वो वीडियो देखता है बेचारा और सोचता है कि चलो यार सिर्फ दो तीन तो स्क्रू खोलने हैं और उसके बाद अपना एसी जो है वो पावरफुल हो जाएगा। साधारण मैंने यहाँ पे देखो, ये टाटा की टियागो है, और यहाँ पे दिक्कत क्या है बताता हूँ मैं आपको। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एसी अगर आपका उतना ठंडा नहीं हो रहा है तो आपको फिल्टर साफ करना है। किन्नर साइड में एक छोटा सा फिल्टर होता है, ऐसा कार होगा आपका तो यहाँ पे फिल्टर होगा, इस तरह का जाली का एक फिल्टर होता है। इसमें कोई पेपर नहीं है, नॉर्मल सा जाली है, ठीक है। अब होता क्या है कि आपको बताया जाता है कि सिर्फ ये साफ करना है, नीचे से चार स्क्रू होंगे, ठीक है। अब देखो इसका शेप देखो, धीरे यहाँ पे इस बॉडी का शेप देखो, यहाँ पे ये फिल्टर है। फिल्टर एक्चुअल में मैंने भी खुद अभी खोला है, तो फिल्टर ठीक से बैठता ही नहीं है, क्योंकि बैठने के लिए ये इतना सा फिल्टर है, इतना लंबा फिल्टर है ये, ठीक, इतना लंबा फिल्टर है, और यहाँ पे नीचे जगह ही नहीं है। तो कोई भी बंदा खोलने जाता है तो उसको टेढ़ा करके निकालना पड़ता है। ये देखो ये फिल्टर का शेप है, और ये टेढ़ा करके निकालना पड़ता है, और उसको निकालने के बाद पता चलता है कि बिटाना इसको काफ़ी मुश्किल है, और फिर फिल्टर भी ख़राब हो जाता है। ये देखो यहाँ पे क्रैक हुआ है, इसके पहले किसी बंदे ने ऐसा ही किया होगा तो ये फिल्टर देखो टूट गया है यहाँ पे। क्योंकि अगर यहाँ पे सही ढंग का वहाँ पे डिस्टेंस नहीं है, गैप नहीं है, तो आप फिल्टर कैसे बिटाओगे। अब मेरे पास तरह तरह के टूल्स है, क्योंकि मैं खुद मैकेनिकल हूँ। ये देखो हर तरीके के मेरे पास टूल्स है, और भी डिक्की में बहुत सारे टूल्स है, फिर भी मुझे ये फिल्टर बिटाने में आसान नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर फिल्टर बिटाना है तो बेहतर रहेगा मैकेनिकल के पास जाओ। अगर आप ये चीज़ घर पे करोगे तो फिल्टर टूट जाएगा। देखो ये बॉडी थोड़ा सा नीचे पीछे लेना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ चार स्क्रू खोल के ये फिल्टर आप सक्सेसफुली और अच्छी तरह से बिटा ही नहीं सकते हो। मैंने खुद ट्राई करके दिखाए, फिल्टर आपके सामने है, देखो फिल्टर यहाँ पे पहले से ही टूटा है। जब मैं खोला तो मेरे एसी में भी वही दिक्कत आ रही थी, एसी में उतनी पावर नहीं थी, ठंडा नहीं हो रहा था कार जल्दी, तो मैंने खोला। मैंने भी कई बार वीडियो देखा था, हालांकि मैं मैकेनिकल हूँ, मैं हूँ बैकहो लोडर का, सब कुछ सेम होता है, फिर भी कुछ ना कुछ बातें होती है जो कि आपको एक तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, या ट्रेनिंग होना चाहिए, या उसका कोई आइडिया होना चाहिए। तो अब यहाँ पे फिल्टर देखो बैठ ही नहीं सकता, किसी भी एंगल से बिटाओ आप, यहाँ पे देखो ये लग रहा है ना, यहाँ पे लग रहा है। अगर मैं बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती भी बिटाता हूँ यहाँ से, ये देखो यहाँ से अगर मैं बिटाता हूँ तो फिल्टर का शेप देखो, कोई चारा नहीं है, ऐसे ही करके बिटाना पड़ेगा। और इसको अगर सही तरीके से बिटाना है तो ये पूरा जो बॉडी है फिल्टर का, यहाँ का स्क्रू खोल गया, अभी मैंने खोला है, तो ये यहाँ का स्क्रू खोल के मुझे पीछे लेने की कोशिश करनी पड़ेगी, और भी देखना पड़ेगा मुझे कि कहीं ऊपर जाके कोई स्क्रू तो नहीं है। बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, जिनके पास कार है उन लोगों को आसान हो जाए कि भाई यूट्यूब पे जो वीडियोज़ आते हैं व्यूज़ के लिए कि भाई ये करो वो करो, तो सोच समझ कर करना, क्योंकि आपके पास पूरे टूल्स नहीं होते हैं तो आप कुछ खोलने जाते हो तो फिर वो बिटाते टाइम दिक्कत आती है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है तब भी करो। अब मेरे पास पूरे टूल्स पड़े, चाहे तो मैं इसे पूरा भी खोल सकता हूँ, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा फिल्टर पहले से ही टूटा हुआ है। यहाँ पे देखो किसी ने पहले ट्राई किया होगा शायद, इसके लिए टूटा है। उम्मीद है मेरी आज की दी गई जो इन्फॉर्मेशन है आपके काम आएगी, और आप आपका होने वाला जो नुकसान है आगे वो बचा सके। और ऐसे ही ढेर सारे वीडियो अगर आप देखने चाहते हैं कार से रिलेटेड सही तरीके के साथ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ढेर सारे जेन्युइन वीडियो में देखने को मिलेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।